आगे हम पढ़ते हैं नमक सत्याग्रह। आइए जानते हैं क्या था नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, उसके कई साल तक महात्मा गांधी जी ने अपने आप को समाज सुधार कार्यों में केंद्रित रखा। फिर 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। तो 1928 में एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और बाद में इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। 1928 में ही एक और प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह हुआ, इसलिए वर्ष 1928 तक फिर से भारत में राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी थी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नेहरू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस सत्र में पूर्ण स्वराज्य को आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया गया। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे, सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं ये सवाल अलग है, हो सकता है सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए वह अभिनंदन के पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा। ये आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। और क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जब वे अपने साथियों के साथ दांडी के समुद्र तटीय टोले की तरफ चले थे तो उन्हें खुद में यकीन नहीं था कि उन्हें वहां तक जाने दिया जाएगा। जब वे साबरमती में थे तो यह अफवाह भी हुई कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तब उन्होंने सोचा कि मेरे साथियों को तो दांडी तक आने दिया जाएगा लेकिन मुझे निश्चय ही ये छूट नहीं मिलेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं गोलमेज सम्मेलन जो हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। चूंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, अतः इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सम्मेलन अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर एवं जिन्ना ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ही समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई भी फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न होता है और इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। और गांधी जी ने जो शर्तें स्वीकार की वो इस प्रकार से हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ये समझौता इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। जैसे कि कुछ शर्तें गांधी जी ने कांग्रेस के थ्रू उनकी स्वीकार की तो कुछ शर्तें जो है लॉर्ड इरविन ने भी स्वीकार की थी। तो ये वो शर्तें थी जिनके तहत लॉर्ड इरविन ने समझौते का मान रखा और ये शर्तें थी जिनको गांधी जी ने स्वीकार किया था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ हुआ। इसमें गांधी जी, अम्बेडकर, सरोजनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय आदि पहुंचे। 30 नवंबर को गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है एवं समस्त भारतीय जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को नहीं माना। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने अपनी अपनी जाति के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। एक ओर गांधी जी चाहते थे कि भारत से सांप्रदायिकता समाप्त हो, वहीं अन्य दल सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। इस तरह गांधी जी निराश होकर लौट आए।
गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जो 1 मई 1933 तक चला। गांधी जी व सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पूना पैक्ट क्या था, या जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे, इसलिए सरकार अब इस समस्या का समाधान करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय, ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। चूंकि इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, अतः इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। हिंदू समाज से हरिजनों को अलग कर दिया गया। मूल रूप से देखा जाए तो यह घोषणा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाली थी, क्योंकि जब सभी को अपना अपना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा तो सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इस तरीके से ये एक डिवाइडेशन था और साथ ही साथ लोगों के बीच में फूट डालने का भी काम कर रहा था। गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार इस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करती है तो वे आमरण अनशन पर उतर जाएंगे। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ करने की चेतावनी दी। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी सहित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एम सी रज्जा के सहयोग से समझौता हुआ। 26 सितंबर 1932 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और चूंकि ये समझौता भारत के पुणे में संपन्न हुआ इसलिए इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट की संज्ञा दी गई। गांधी जी के बारे में कई अभद्र टिप्पणियां भी की गई थी, जैसे कि विलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। और उसने आगे कहा कि देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को अपना भगवान मान बैठी है, ऐसा विलिंगटन ने लिखा था। और इसी के साथ साथ 1939 में फिर धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे कुछ नेता जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो जाएं तो कांग्रेस उनके युद्ध के प्रयासों में सहायता दे सकती है, लेकिन सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। और इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल जितना था, कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे, उन्होंने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। फिर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग जो थी उसने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। तो अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता जा रहा था, क्योंकि ये जो संघर्ष था अब ये केवल इंडियन और ब्रिटिश के बीच में नहीं था, बल्कि अब ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश शासन, इन तीन ध्रुवों में ये जो संघर्ष था ये तीन ध्रुवों में हो गया था। तो इस समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, और जिसमें लेबर पार्टी के सदस्य थे जो भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया भी रखते थे, लेकिन सरकार का मुखिया जो था प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, वो कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसीलिए नहीं नियुक्त कर दिया गया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें। तो 1942 में वसंत चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपनी एक मंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, और क्रिप्स के साथ वार्ता में गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन करना चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में से किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और इसी पर वार्ता टूट गई और क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन जब फेल होता है तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला लिया। टाइम था अगस्त 1942 का जब यह आंदोलन शुरू हुआ, और इसको भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। हालांकि इस आंदोलन को जैसे ही आंदोलन शुरू होता है गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो देश भर के युवा थे, युवा कार्यकर्ता थे, वो अपने हड़तालों से और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए ये आंदोलन चलाते रहे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस पर धीरे धीरे कैबिनेट मिशन भारत आता है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इन सभी घटनाओं के साथ फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं वायसराय बन करके, और वो विभाजन का अपना एक प्रस्ताव लेकर आते हैं माउंटबेटन, और उन्हीं के माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है।
देश को आज़ादी मिलती है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। और 15 अगस्त 1947 को राजधानी में जो उत्सव हो रहे थे उसमें महात्मा गांधी जी नहीं थे, क्योंकि उस समय वो कोलकाता में थे और वहाँ भी उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। वो 24 घंटे उपवास में थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनका राष्ट्र विभाजित हो चुका था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने उत्सव मनाना सही नहीं समझा। गांधी जी ने तो स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यह इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती का संबंध बनाए रखें। लेकिन बहुत से भारतीयों को उनका ये सहृदय आचरण पसंद नहीं आया और 30 जनवरी की शाम को एक हिंदू उग्रवादी नाथूराम गोडसे था जिसने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और नाथूराम गोडसे जो था वो हिंदू चरमपंथी था, एक संपादक के रूप में कार्य करता था, और जिन्होंने गांधी जी को मुसलमानों के एक अपीलकर्ता के रूप में निरूपित किया और उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु से शोक की असाधारण अभिव्यक्ति हुई, भारत में राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई करते हुए टाइम पत्रिका ने उनकी मृत्यु की तुलना अब्राहम लिंकन से की थी। टाइम पत्रिका में ये भी लिखा गया कि दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और ये समझना एक मायने में बहुत ही गहरा और बहुत ही साधारण काम है। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें कई स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे कि उनकी कुछ आत्मकथाएं हैं, लेकिन आत्मकथाओं को पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम उसकी व्याख्या किस तरीके से कर रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं वो प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वो क्या याद रखना चाहता था, या औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से दर्शाना चाहता था। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का तरीका होता है। फलस्वरूप हम लोग को जितने भी आत्मकथाएं और लेखकों की जितनी भी जीवनियां देखने को मिलती हैं उसमें जो कुछ लिखा रहता है उसके साथ साथ हमें कुछ इच्छित और अनिच्छित विस्मृति के कृत्यों को भी समझना चाहिए। साथ ही साथ अन्य स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कुछ सार्वजनिक स्वर आए, कुछ निजी लेखन भी लोगों के आए, तो उन सभी को पढ़ते वक्त हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ को जनता के लिए लिखा गया और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के साथ लिखा गया। उदाहरण के लिए जैसे हम अगर देखें कि भाषण, कोई भी किसी का स्पीच है, तो भाषणों से हमें किसी व्यक्ति की सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि अगर उसका कोई भी व्यक्तिगत पत्र हमें मिलता है तो हमें उसके निजी विचारों की झलक मिलती है। तो हमें गांधी जी के कई निजी पत्र भी स्रोत के रूप में मिलते हैं जिनमें हमें उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने गांधी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की और साथ ही साथ ये भी जाना कि उनका राजनीतिक दौर कैसा रहा, कौन कौन से उन्होंने मुख्य आंदोलन किए, और उनके जीवन वृत्त से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा किया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।